मिर्जा MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं एक नज़र आज की हेडलाइन पर। मंदिरों में चोरी करने वाले शातिर भाई धराए। पुणे से भाजपा सांसद अनिल शिरोले का पत्ता कट। मथुरा से टिकट मिलने पर हेमा मालिनी ने जताया PM मोदी व अमित शाह का आभार। अब खबरें विस्तार से। पिंपरी मंदिरों की दान पेटियों पर हाथ साफ करने वाले दो बदमाशों पर क्राइम ब्रांच के डकैती व विरोधी कसने में सफलता पाई है। उनसे 4 वारदातें उजागर हुई है और तकरीबन 42,000 रुपए का माल बरामद किया गया है। गिरफ्तार आरोपी के नाम विशाल रमेश भालेराव उम्र 27 वर्ष और अजय रमेश भालेवर उम्र 22 वर्ष दोनों निवासी लाल टोपी नगर मोरवाड़ी पिंपड़ी है। ये दोनों भी पुलिस रिकॉर्ड पर दर्ज शातिर अपराधी है। उनके खिलाफ वाकर चिंचड़ी पिंपड़ी व वाकर चिंचवड़ पिंपड़ी व भोसरी पुलिस थाने में तेंदमारी और वाहन चोरी के मामले दर्ज है। पुणे मौजूदा सांसदों के रिपोर्ट कार्ड से नाखुश भाजपा हाईकमान ने कईयों को घर का रास्ता दिखाया है। इसमें पुणे के सांसद अनिल शिरोले भी शामिल हो गए हैं। भाजपा ने देर रात प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी की। इसमें पुणे से पालक मंत्री गिरीश बापट को प्रत्याशी घोषित किया। अब उनके मुकाबले कांग्रेस किसे प्रत्याशी तय करती है, इसकी उत्सुकता बढ़ गई है। वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस के गढ़ बारामती से भाजपा ने विधायक राहुल कुल की पत्नी कांचन कुल को प्रत्याशी तय किया है। भाजपा ने बीती देर रात अपने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी की, जिसमें महाराष्ट्र से 6 प्रत्याशियों की घोषणा की गई है। भाजपा की ओर से लोकसभा चुनाव 2019 के लिए गुरुवार शाम 184 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी गई है। इसमें PM मोदी वाराणसी, भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को गांधीनगर व गृह मंत्री राजनाथ सिंह को लखनऊ से टिकट दिया गया है। इसके अलावा भाजपा प्रधानमंत्री भाजपा प्रबंधन ने मथुरा सीट से मौजूदा सांसद व अभिनेत्री हेमा मालिनी को फिर से मौका दिया गया है। टिकट की घोषणा होने के बाद हेमा मालिनी ने ट्वीट कर PM मोदी व अमित शाह का आभार जताया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि मथुरा सीट से फिर से मौका दिए जाने पर PM मोदी व अमित शाह को धन्यवाद और कड़ी मेहनत करेगा और क्षेत्र का विकास जगाएगी। वह अन्य राजनेताओं की तरह नहीं है, यहाँ के लोग उनके काम को पसंद करते हैं। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।